लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डालीबाग में लगभग 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने दो बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। ये बिल्डिंग शत्रु संपत्ति पर बनी थी जो मुख्तार ने फर्जी तरीके से अपनी मां के नाम करा ली थी। बाद में उसने अपने दो बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम पर करा दी थी। दोनों बिल्डिंग बिना नक्शे के अवैध तरीके से बनाई गई थी। दोनों बिल्डिंग को गिराने के लिए एलडीए की विहित प्राधिकारी ऋतु सुहास ने 11 अगस्त को ढहाने का आदेश दिया था। आदेश की अनुपालन में गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे प्रशासन व पुलिस बल के साथ एलडीए के अधिकारी 20 से ज्यादा बुलडोजर लेकर पहुंच गए। यहां एक बिल्डिंग में ताला बंद था जबकि दूसरे बिल्डिंग में एक परिवार रह रहा था। उनसे तत्काल घर खाली कराया गया। एलडीए के कर्मचारियों ने झटपट तरीके से बिल्डिंग से सामान बाहर किया। दूसरी बिल्डिंग का प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया। कार्रवाई की भनक लगते ही वहां कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। एलडीए व प्रशासनिक अधिकारियों से झड़प शुरू होने लगी, लेकिन 250 से अधिक संख्या में मौजूद पुलिस बल ने उन्हें खदेड़ दिया। बुलडोजर से बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। कुछ ही देर में 3 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर जमींदोज हो गई। कार्रवाई के बाद एलडीए व प्रशासन के अधिकारी वापस चले गए। एहतियात के तौर पर वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।